के बाद योगी की सर्जिकल स्ट्राइक, भ्रष्ट अफसरों पर चला योगी का हंटर। उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की मौज मस्ती को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी ने बड़े अधिकारियों पर हंटर चला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने की चेतावनी के बाद शासन ने ऐसे मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी। बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए जेलर उदय प्रताप सिंह व मेरठ जेल में स्टिंग ऑपरेशन मामले में डिप्टी जेलर धीरेन्द्र कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। बागपत जेल में 9 जुलाई 2018 को उच्च सुरक्षा बैरक में बंदी सुनील राठी ने माफिया मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात ने सूबे की कानून व्यवस्था के साथ साथ जेलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया था। सरकार की काफी किरकिरी हुई, लेकिन अब योगी का एक्शन भी शुरू हो चुका है। आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं, जिसमें साफ शब्दों में एक एक चीज बताई गई है, तारीख, जगह, सब कुछ, और बताया गया है कि क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन उन बड़े अधिकारियों पर दिखा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ऐसे में देखना होगा कि इस तरह के और कितने एक्शन अभी योगी लेते हैं। दरअसल लोक भवन में गृह और सचिवालय प्रशासन की समीक्षा बैठक में उन्होंने अपना रुख स्पष्ट भी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो नकारा और भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। साथ ही इन मामलों को सुलझाया जाए और जल्द ही एक्शन मोड में दिखे पूरी सरकार। बस नजर बनाए रखिए, क्योंकि योगी अब एक्शन में आ चुके हैं।